हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं तारा, ऑनेस्टली। तभी तो तुम्हारे लिए, तुम्हारे कहने पर ऋषि जी के बच्चे तक को जन्म देने के लिए राजी हो गए। लेकिन तारा, अब हम तुमसे भी ज्यादा, कहीं ज्यादा ऋषि जी को चाहने लगे। ये बच्चा हमारे अंदर पल रहा है तारा, हमारा अंश है। हम दोनों की सांसें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, और हम इसे तुम्हारा नाम दे दें, वाई तारा। ब्रजेश जी हमारी मंजिल है तारा, और तुम उस मंजिल के रास्ते का सबसे बड़ा कांटा। डोंट माइंड तारा, पर हम उतने नादान भी नहीं जो जानबूझकर कांटों से खुद का दामन तार तार कर ले। ये त्याग नहीं, बेवकूफी होगी, और हम ऐसी बेवकूफी नहीं कर सकते तारा। I'm sorry। बस अब कुछ ही घंटे रह गए हैं, एक नई सुबह का इंतजार है हमें। औरों के लिए ये सुबह आंसू लेकर आएगी, लेकिन हमारे लिए हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी होगी तारा। ऐसा नहीं है कि हमें दुख नहीं होगा, हमें बहुत दुख होगा, मगर हम क्या करें, अपने दिल के हाथों मजबूर है तारा। हम रियली सॉरी। ये सुबह कब होगी? गॉड, 9 बज गए। अब तक कोई खबर क्यों नहीं आई? घर में इतनी शांति कैसे है? हाँ, कोई कुछ कहने क्यों नहीं आया? तारा, 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 बस करिए दी। शमशेर बहादुर सिंह के देहांत के बाद ना पहली बार तारा को ऐसे खुल के हंसती हुई देख रही हूँ। अरे बाबू, इसका क्रेडिट मुझे दीजिए। भाई मेरे जो किस्से हैं वो तो अच्छों को हंसा दे। जी तो अरे आप वहां क्यों खड़ी है जीजी? अरे अंदर आइए ना भाई। भावों के बनाए हुए नाश्ते के साथ साथ मेरे चुटकुलों का भी मजा लीजिए हैं? तारा, आज मैंने तेरी हर पसंद की चीज बनाई है, बता ठीक ठाक बनी है कि नहीं? कमाल की बनी है भावो, खासकर की ये चटनी बहुत अच्छी है। अरे भाभों के हाथ में जो स्वाद, भाई साहब जब से सलोनी जी आई है ना सब काम उन्होंने संभाल लिया, इसलिए भाभों के हाथ का स्वाद भूल गए थे हम लोग, लेकिन आज फिर याद आ गया।
मुझे भी सलोनी के हाथों का खाना खाने की आदत सी पड़ गई, अपना भी पकाया हुआ अच्छा नहीं लगता। नाहर, तूने बात की ना सलोनी से, कब आ रही है वो? रितु के पेरेंट्स अभी तक वहाँ पहुँचे नहीं है, आई थिंक 2 या 3 दिन और लग जाएंगे। सब है यहाँ, पर पता नहीं सलोनी के बिना कितना सूना सूना लगता है घर। सही कह रही हैं आप भाभो, सुबह जब मेरी नींद खुली तो मन काफी भारी भारी सा था, लेकिन अभी आपके हाथों का नाश्ता खाकर और धीर कंवर सा की बातें सुनकर मन थोड़ा हल्का हो गया। भाभी सा, आपकी तबीयत खराब होने के कारण हम कई दिनों से मंदिर न जा पाए। हाँ चलते हैं। जी जी आप चलेंगी? नहीं तारा, उर्वशी को ना ले जाओ, इस हालत में उनका घूमना फिरना ठीक नहीं है ना। हाँ उर्वशी जी, बासी कड़ी में उबाल आना इसी को कहते हैं। देख रही है ना आप, पुराना प्यार वापस जाग गया है। ये छोटी सलाई लीजिए और बड़ी सलाई लीजिए। भाई वाह, वक्त भी कितनी तेजी से बदलता है। जो हार रहा था वो जीत रहा है, और जो जीत रहा था वो बेचारा किनारे खड़े आंसू बहा रहा है। खैर, जैसी प्रभु की इच्छा, प्रभु की माया है। वैसे आप चाहें तो मेरे साथ घर के मंदिर में बैठ के भजन कीर्तन कर सकती हैं। वो भाभो कहती है ना कि प्रेगनेंसी में पूजा पाठ अच्छा होता है। हमें आपके मशवरे की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा नहीं लगा लगता है मेरा सुझाव, हमें बड़ा पसंद आया ये साउथ इंडियन। क्या हो गया तुझे पीयूष, बुखार क्यों नहीं होता रहा? जल्दी से बच्चा ठीक हो जा, तेरी दवाइयां लाने के पैसे भी नहीं है मेरे पास, क्या करूं? क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कहां से पैसे लाऊं? पीयूष रोना नहीं, हाँ मम्मी अभी आती है। शुभ्रा कहाँ जा रही तू इतनी जल्दी में? मम्मी वो डॉक्टर ने पीयूष के लिए जो टॉनिक दिया था ना वो खत्म हो गया है, तो वही लाने जा रही हूँ। मगर पैसे? सुबह पापा से ले लिए थे। अच्छा ठीक है बेटा, तू जा जल्दी आना बेटा, तब तक मैं पीयूष को संभालती हूँ। आज 500 दे दिया ना भाई जी। एक्सक्यूज मी। हाँ जी। मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, आपके पास ये गिरवी रखना चाहती हूँ। ये मंगलसूत्र? मुझे माफ करना नील, जब तुम मेरे पास थे, मेरे साथ थे, मैंने तुम्हारे प्यार की, अपने रिश्ते की कभी कदर नहीं की। आज जब मैं तुम्हारी पत्नी बनकर जीना चाहती हूँ तो तुम मेरे पास ही नहीं हो। कहाँ हो तुम नील? इस मंगलसूत्र को गिरवी रखकर एक बार फिर तुम्हारे प्यार का अपमान कर रही हूँ मैं, लेकिन अपने बच्चे को बचाने के लिए यही एक रास्ता रह गया मेरे पास। मुझे माफ कर देना नील, मुझे माफ कर देना।
हेलो जी, उर्वशी बोल रहे हैं। आप तो प्लीज रिटायर होकर सब कुछ छोड़ छाड़ कर बैठ जाइए आप घर पे, किसी भी काम के नहीं हैं। आपने तो बड़े दावे के साथ कहा था कि आपने जो भी दिया उसका बहुत असर होगा, जरा भी असर नहीं हुआ है। नहीं नहीं, देखिए हमें लगता है कि आप एकदम धोखेबाज हैं, हमसे सिर्फ पैसे ऐंठने के तरीके अपना रहे बस। नहीं नहीं, अब आप रहने दीजिए, किसी भी तरह की सफाई देने की जरूरत नहीं है। क्यों रो रहा है बेटा, क्यों रो रहा है, क्यों रो रहा है? तेरी मम्मी गई है तेरे लिए दवा लेने बेटा, आती होगी। इस घर में म्यूजिक सिस्टम की कोई जरूरत ही नहीं, 24 घंटे रेडियो ऑन ही रहता है। कमबख्त थोड़ा सुर में रुलेगा तो क्या कुछ बिगड़ जाएगा इसका। कावेरी बेटा जी, लगता है पीयूष को भूख लगी है, तू इसे संभाल, ये दूध तो पिएगा नहीं, मैं इसके लिए मौसमी का जूस लेकर आती हूँ। मम्मी जी, जूस ही तो लाना है, मैं ले आती हूँ। ठीक है बेटा, तू ही बना ले, मगर देख लेना खट्टा ना हो। जानती हूँ, फुल टाइम नौकरानी बना कर रख दिया है मुझे, बच्चे की माँ को घूमने से फुर्सत नहीं, दवा लाने में इतनी देर लगा दी, और ये मम्मी जी इस तरह जूस की फरमाइश कर रही है जैसे बच्चे के बाप ने फलों का बगीचा दान में दिया हुआ। भैया मेला, भैया मेला, नहीं लोते बाबा। पीयूष को क्या हुआ, इतना रो क्यों रहा है? पता नहीं बेटा, इसे देख ना इसे क्या हो गया, नन्ही सी जान है, अपनी तकलीफ भी नहीं बता सकता ये तो। लाओ इसे मुझे दे दो, देखना अपने मामा की गोद में आके कैसे चुप हो जाता है पीयूष। लेकिन बेटा तू इसे कैसे लेगा, संभाल पाएगा कहीं गिर गया तो? मरियम, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, किसी भी काम का नहीं रहा। नहीं बेटा, मेरी बात का वो मतलब नहीं था। जानता हूं मामा, आप मेरा दिल सपने में भी नहीं दुखा सकते, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे आंखों के साथ साथ रिश्तों का अपनापन भी दूर होता जा रहा है। आज मैं अपने भांजे को सिर्फ इसलिए नहीं खिला सकता क्योंकि मैं उसको संभालने के लायक नहीं रहा। समर, फिर ऐसी बात की ना तो एक चपत लगाऊंगी तुझे, ले संभाल, संभाल अपने शैतान भांजे को, ये ना। समर बेटा, रिश्तों से अपनापन इतनी आसानी से दूर नहीं होता, यूं भी प्यार और ममता को महसूस किया जाता है, ये आंखों से दिखाई देने की चीज नहीं होती बेटा। अरे अब तो चुप हो जा, इंसल्ट करवाएगा क्या मेरी? अरे माना माँ पास में नहीं है, लेकिन डबल माँ है तेरे पास, मामा है तेरे पास। अरे मम्मा, ये तो चुप ही नहीं हो रहा। हाँ बेटा, वो कावेरी जूस लेने गई थी, लेकर नहीं आई, जरा मैं देखती हूँ, संभाल। हाँ क्या हुआ बाबा, भूख लगा है तुझे? दूध पिएगा? हाँ जाओ, मामा तेरे को दूध पिलाएगा। समर, समर क्या हुआ, क्या हुआ? दे मुझे समर। ओ बेटा, ओ नहीं रोते, नहीं रोते। आप ठीक कह रही थी, अगर पीयूष गिर जाता, अगर अगर उसे कुछ हो जाता तो मुझे जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए थी। जो खुद अपने आप को नहीं संभाल सकता, अगर वो ऐसी हरकत करे तो उसे पागलपन कहते हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरी जिंदगी का अंधेरा मेरे अपनों की जिंदगी से उनकी रोशनी छीन ले, इसका ख्याल मुझे रखना चाहिए था। आपके आंसुओं का बदला मैं इनसे गिन गिन कर लूंगी समर, जरूर लूंगी।
इसका नंबर एंगेज्ड आ रहा है। कावेरी भाभी का नंबर ट्राई करती हूँ। हेलो अब भाभी मैं शुभ्रा, मम्मी को फोन दीजिए ना। शुभ्रा मम्मी जी तो अंदर है पीयूष के पास, तुम कहो ना। अब वैसे पीयूष कैसा है, ज्यादा तंग तो नहीं कर रहा? पीयूष आराम से सो रहा है, तुम चिंता मत करो, हम सब है ना। अच्छा भाभी अगर पीयूष उठ जाए ना तो प्लीज उसे दूध पिला दीजिए, टाइम भी हो गया ना। इसमें प्लीज कहने की क्या बात है शुभ्रा, वैसे तुम्हें इतनी देर क्यों लग गई? वो क्या है ना, अपने पास वाले मेडिकल में दवा नहीं मिली तो मुझे एमजी रोड आना पड़ा और थोड़ा टाइम लगेगा मुझे वापस लौटने में। अच्छा शुभ्रा ऐसा करो ना, तुम पापा जी के ऑफिस चले जाओ, वहां से काफी पास है, और वैसे भी आज उनकी तबीयत कुछ सुबह ठीक नहीं थी। अगर तुम उनके पास जाओगी और उन्हें घर साथ ले आओगी तो जल्दी आ जाएंगे वो, वरना बेचारे रोज लेट घर आते हैं। कहाँ है उनका ऑफिस? वही एमजी रोड में बस स्टॉप के पीछे, वो बड़ी क्लास वाली बिल्डिंग, फर्स्ट फ्लोर पर। ठीक है भाभी, ओके। वाह भगवान वाह, बैठे बिठाए मुझे इतना अच्छा चांस दे दिया अपना बदला लेने का। जाओ शुभ्रा डार्लिंग, जाओ अपने पापा के पास, देखो तो सही कितनी आन बान और शान से नौकरी कर रहे हैं मेरे ससुर जी। कहाँ रह गए शुभ्रा? क्या हुआ पीयूष को इतनी जोर जोर से रो रहा, बार तक रोने की आवाज आ रही थी, मैं तो घबरा गई। पता नहीं मन्नू भाभी से क्या हो गया, और शुभ्रा भी दवा लेने गई, अब तक लौट नहीं आई। बस ना तो इसे दूध पीना अच्छा लग रहा है ना ये जूस पीना, मैं क्या करूं? लगता है इसे किसी की नजर लग गई। कावेरी कावेरी जी कहिए, जरा लाल मिर्च लेके आ जल्दी। क्यों क्या हुआ? लगता है पीयूष को किसी की नजर लग गई, नजर उतारनी पड़ेगी। क्या जरूरत है मन्नू भाभी, ना तो ये कहीं बाहर जाता है और ना कोई बाहर वाला हमारे यहाँ, फिर किसकी नजर लगेगी आपके राजकुमार? अरे धौने, इस घर में भी बुरी नजर वालों की कमी नहीं है। जा बहस मत कर, मिर्च ले गया। बस अभी इसकी नजर उतारेंगे हम। एक काम ठीक से नहीं होता है, झलक नहीं चलन है तो नौकरी क्यों कर रहे हो? अब चपरासी के लिए मुझे असिस्टेंट रखना पड़ेगा क्या? जाओ मेरे लिए पानी ले जाओ। किससे मिलना है आपको? जी मेरे पिताजी यहाँ काम करते हैं। क्या नाम है उनका? जी वो नरपत। अरे वो नरपत, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, खड़े खड़े क्या कर रहे हो वहां पे? जरा से निकाल सकते हो तो कम से कम पानी तो पिला सकते हो। जाओ पानी लेके आओ मेरे लिए। जी सर। सर पानी। आधा घंटा पहले मैंने बताया तुम्हें कि टेबल पे चाय गिरे, कौन साफ करेगा? इडियट कहीं का, न जाने क्या समझकर मैंने तुम्हें काम पर रख लिया। आत्मा में दम तो नहीं है, काम का हक करोगे?